नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे ब्रश होते हैं जो सूख जाते हैं और हम उनको धुलाई नहीं कर पाते समय से, और उनको पूरी तरीके से सूख जाने के बाद हम तेल से कितना भी धो लें लेकिन वह क्लीन नहीं हो पाते। आज मैं आपको लोगों को इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि हमारे पास बहुत सारे ब्रश जो सूख गए हों कई महीनों के, उनको धो के फिर से उसी अवस्था में लाया जाए जिस अवस्था में वो पहले थे। तो आज के वीडियो में इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पास है न्यू बैमले का थिनर, जो कि आम पेंट की दुकान पे 160 रुपए का लीटर मिल जाता है। उसको हम एक कप में डाल के और सारे ब्रश को पहले एक बार डुबो के डाल देते हैं ताकि वो फूल जाए। सारे ब्रश को हम एक बार डुबो लेते हैं और डुबो के रख देते हैं उसी अवस्था में, और जब पूरी तरीके से अगर ये फूलेगा नहीं तो फिर ये क्लीन होने में दिक्कत होगी। तो सारे ब्रश को हमने थिनर में डाल के 2 मिनट के लिए उसी में रख दिया और धोना शुरू कर दिया। धोते हैं धीरे 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 धीरे, उनको जड़ से ऊपर तक सारे ब्रश फूल जाने के बाद बहुत ही इजी तरीके से वह फूलता जाएगा और निकलता जाएगा। हमारे पास लोगों के कमेंट भी आते हैं कि अजय भाई एक बार ब्रश क्लीन के लिए भी बताओ, कैसे साफ करते हो आप पुराने ब्रश को। इसलिए इस वीडियो को मैं बनाया हूँ, आप लोग देख रहे हैं। मैंने सारे ब्रश को एक पानी से इसे धोता धोते हुए चला गया। अभी हमारा ब्रश फूलता जा रहा है और हम धोते जा रहे हैं। थोड़ा दिक्कत होती है जब पुराने ब्रश ज़्यादा दिन तक पुराने रह जाते हैं। अब हमारे पास ये तारपीन का तेल है, देखिए दोस्तों। अब इसमें हम ब्रश को दोबारा क्लीन करने के लिए, क्योंकि ब्रश जो फूल गया है उसको क्लीन करने के लिए, उसकी गंदगी दूर करने के लिए, थिनर की जो फूलने से जो गंदगी हो जाती है उसको दूर करने के लिए हम तारपीन के तेल से उसकी धुलाई शुरू करते हैं। अब ये पूरी तरीके से धीरे धीरे क्लीन होता रहेगा और हम इसको एक तरफ रखते जाएंगे और ये सारे ब्रश दोबारा धोते हुए चले जाएंगे। देखिए बहुत ही इजी तरीके से क्लीन होता चला जा रहा है ब्रश। और ये ब्रश हमारे पास बहुत पुराना था, जो ये बड़ा वाला ब्रश इस समय मैं धो रहा हूँ, ये ब्रश तो लगभग 1 महीना हो गया था और इसको मैं रख के कहीं भूल गया था। और इस ब्रश को देख के ही मुझे याद आया, मैंने कहा मुझे ऐसी वीडियो भी बनानी चाहिए, क्योंकि मुझे कमेंट भी आता है ये ब्रश आप क्लीन कैसे करते हो, इतने क्लीन कैसे रहते हैं आपके ब्रश। तो अब देखिए ये ब्रश क्लीन हो गए एक तरीके से धीरे धीरे। अब 2 पानी हो गया इसको धुले हुए। अब हम इसको क्या करते हैं कि इस पर पूरी तरीके से कपड़े से साफ कर देते हैं। कपड़े साफ करके एक बार तेल डाल के इसको हम दोबारा से क्लीन करना शुरू करते हैं। और यह धुलाई तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक यह ब्रश पूरी तरीके से क्लीन ना हो जाए। अब हमारा सारा ब्रश लगभग क्लीन हो चुका है। अब हमने इसको पूरी तरीके से साफ कर दिया है। अब चलिए देखते हैं कपड़ा मारने के बाद इसका क्या रिजल्ट आता है। हाय गाइस, ये सारे ब्रश हमारे बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं और आप लोगों ने मेरा वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। अगर वीडियो पेंट से रिलेटेड कोई भी कमेंट करते हैं तो आपका कमेंट ज़रूर पढ़ा जाएगा और उस पर अमल ज़रूर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे चैनल पर आने के लिए और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू और धन्यवाद। नमस्कार।